हाथरस के हाथरस गेट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, जहां नीलगाय के शिकार के आरोपी को उसने अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं पब्लिक के सहयोग से एक बाइक चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसके कब्जे से चार बाइक बरामद हुई हैं। दोनों मामले का खुलासा करते हुए एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पिछले महीने गोली मारकर नीलगाय का शिकार हुआ था और तभी से इसकी तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और दूसरी घटना जिसमें बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया एक युवक और उसके पास से चार बाइक बरामद हुई, इन सभी मामलों में जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं जानकारी। हाथरस गेट थाने के अंतर्गत दो काम किए गए जिसके लिए स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। एक तो पहला तो यह है कि थाना हाथरस गेट पे एक वाहन चोर पकड़ा गया है, जिसको कि जनता के सहयोग से पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। बागला अस्पताल के बाहर चुराते हुए व्यक्ति द्वारा पकड़ा गया था। तत्काल पुलिस मौके पहुंची और उसके पास से एक मोटरसाइकिल तो मौके से बरामद हुई, बाकी मोटरसाइकिलों को कनेक्ट किया जा रहा है। इससे जो पूछताछ की गई है उसमें कुछ एक नाम और हमारे प्रकाश में आया है, जिसपे अभी और हम भी काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि जल्दी और मोटरसाइकिल और अभियुक्त को पकड़ने में हमको सफलता प्राप्त होगी। हाथरस से ये थी अनिल दीक्षित की रिपोर्ट।